बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देखिए हम आज बनाने मिनी पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा बेस मैं लेकर आई हूँ बेकरी से। ये मैंने चिकन उबालने रख दी, इसमें मैंने अदरक लहसुन काली मिरी और नमक डाल दी हूँ। ये बॉईल को रख दी हूँ मैंने। मैंने एक प्लेट में शिमला मिर्ची चॉप की हुई, ओनियन चॉप किया हुआ, कांदा चॉप किया हुआ, हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है। और ये गाजर को मैंने क्रश कर लिया। और ये मैंने एक बाउल में पिज्ज़ा क्रश कर कर रखी। अब हमारा हमने जो चिकन को बॉईल करने रखे हैं, इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हमें रेशे करने हैं। ये हमारा चिकन बॉईल हो रहा है जब तक हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। ये मैंने एक चम्मच तेल ली हूँ, इसको मैंने कढ़ाई में डाल दी। धीमी आंच पर रखना है। अब चॉप किया हुआ कांदा डालना है। मीडियम आंच पर पकाना है, भाजी हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्की हल्की फ्राई करना है। ये हमारा कांदा ब्राउन गर्म होने आ रहा है। अभी हम इसमें शिमला मिर्ची चॉप की हुई डालेंगे और गाजर भी डालेंगे। ये हरी मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट था वो भी डालेंगे। हल्की आंच पर इसको पकाना है, ज़्यादा ऑयल डालना नहीं हमें। हिस्से जायका नमक डालेंगे, कोथमीर हमने चॉप करके रखी थी वो भी डाल देंगे। धीरे धीरे हम चलाएंगे। देखिए चिकन के भी हमने रेशे कर दिए हैं, भाजी हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने पिज्जा सॉस और मेयोनीज मिक्स करके रखे। अब हमें पिज्जा बेस पे इसे लगाएंगे। सब तरह से लगाना है इसको। इसके ऊपर हम पिज्जा जो क्रश करके रखे थे वो पिज्जा बेस पे लगाएंगे। सर्व तरफ डालना है थोड़ा थोड़ा। अब हमने जो भाजी बनाई थी वो भाजी को उसके ऊपर जो हमने रेशे किए है वो डालेंगे हम। कंजूसी नहीं करनी है चिकन डालने में। जितना अच्छा चिकन रहेगा, चीज रहेगा, उतना मजा आएगा। अब ऊपर से चीज डालेंगे। पिज्जा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम गैस पर पैन रखेंगे, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे चारों तरफ से। और ये मिनी पिज्जा हम कढ़ाई पैन में रखेंगे और इसको ढक देंगे। हम चाहे तो उसको ओवन में ही बना सकते हैं, हम पैन में बनाएंगे स्लो आंच पर। हमारा गरम गरम पिज्जा पैन में से हमने निकाल लिए। अब हम इसमें ओरिगिनो और चिल्ली फ्लेक्स से गार्निशिंग करेंगे। देखिए हमारा
पैन पिज्जा मिनी पिज्जा बन चुका है।